जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे, कसम से चल, तुम और मैं रिश्तेदार जो करने वाले हैं। आप चिंता मत कीजिए अंकल, साहिल का फैसला इस परिवार के खिलाफ नहीं होगा। अगर वो लड़की भी साहिल को चाहती है तो ये इस घर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा लेटर, तुम किसी और का लेटर कैसे उठा सकती हो? I'm sorry, Mr. Wale. मुझे नहीं पता था ये आपका लेटर है। अरे मेरे पास है तो मेरा ही होगा ना। राणा, तुम्हें पता है घर में क्या चल रहा है, क्या बात हो रही है? मुझे तो लगा कि तुम मुझसे मिलने आओगी। मैं तुमसे मिलने क्यों आऊंगी साहब? देखो, तुम जान के अनजान बन, तुम्हें पता है कि पापा अपनी बेटी के साथ यहाँ पे आए हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी का रिश्ता मेरे साथ हो। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ साहब? ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। देखो साहब, तुम्हारी शादी को लेके दीदी बहुत परेशान है और मेरे ख्याल से तुम्हें इस रिश्ते को हाँ कर देनी चाहिए। तुम सचमुच मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं साहिल, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो खुद कमाता हो, उसके पास एक दिमाग हो, जो इंटेलिजेंट हो, और वो लड़का तुम नहीं। हेलो, हाय रोशनी, जिज्ञासा बोल रही हूँ। अरे जिज्ञासा, थैंक गॉड तुम्हारी आवाज़ तो सुनने को मिली। कहाँ हो तुम? रोशनी, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मुझे सब पता है। रणवीर ने मुझे सब कुछ बता दिया। बहुत बुरा लगा ये। पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। और मुझे को ठिकाने तुम्हें लगाना है। उस लड़की का फैसला तुम भी करना है। तुम कितना करो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है। इट्स सो सैड ना जिज्ञासा, कि तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और वो भी उस लड़की की वजह से जिसे तुम ही यहाँ लाए। लेकिन अब पानी यहाँ कुछ ही दिनों की मेहमान है और तुम तो जानती हो ना, मेहमानों को कभी ना कभी घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब मैं यहाँ हूँ, मैं सब संभालूंगी। थैंक यू रोशनी, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। टोनी, जय कहाँ है? मैं वो बाथरूम में। टोनी, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, फिर से मुझे पानी दो यहां पर। अरे तो
पानी कहाँ से चला जाए? मैं तो मेन लाइन बंद करके आई जाओ ना, मेहमान आ रहे हैं। यस। वानी। वानी। ओह, मेरा स्कार्फ नहीं मिल रहा, कहाँ रखा है? नहीं मिल रहा, मेरा नहीं मिल रहा। नहीं कहीं होगा और कहाँ जाएगा? आप अपनी चीजें खुद क्यों नहीं घूम रहे? भगवान, मिस्टर वालिया को मैंने क्या बोल दिया? आज मेरी खैर नहीं, सॉरी। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अपना स्कार्फ ले लूं। बहू, ये क्या तरीका है अपने पति से बात करने का? यही चाहते हैं कि हम इन पे अधिकार जताएं, बस कहना नहीं चाहते। और मेरा ये बेटा तो अब
अपने दिल की बात कहने में बहुत टाइम लगा। मासी आप हमेशा मेरी फिक्र क्यों करते हैं? आप अभी सफर से थक गई हूँ, चलिए आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों को साथ देकर सफर की सारी थकान दूर। ये लो हरिद्वार का प्रसाद ले लो बेटा। मैंने हरिद्वार में तुम दोनों के सुखी परिवार के लिए और तुम्हारा आपस में खूब प्यार बढ़े इसकी मन्नत मांगी है। मासी मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। क्यों, मैं बूढ़ी हो गई हूँ या मुझे अपने कमरे के बारे में नहीं पता? मैं चली जाऊँ पर तुम दोनों आपस में ऐसे ही नोकझोंक करते रहो। मैं आराम करती हूँ, फिर सुबह बात करेंगे। पसंद है रजनीगंधा के नहीं, और तुम रजनीगंधा के फूल लगवा रहे हो? तुम मासी जी, रोशनी मैम रजनीगंधा का ऑर्डर देके गई थी और उन्होंने कहा था कि उनके आने से पहले सब कुछ हो जाना चाहिए। इस घर में आए मेहमान ये नहीं बताएंगे कि इस घर की सजावट कैसे हो। इस घर की मालकिन मेरी बहू है पानी, वो बताएगी कि इस घर की सजावट कैसे हो, समझे तुम? जी मैम। जाओ यहाँ से। अरे विजय बैठो। बोल विजय, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या टोटली रोशनी इस घर में करते हैं? अरे मेहमान है, चार दिन के लिए रुक के जाए ना, तो यही टिक गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये रह क्यों रही है यहाँ? कुछ सही गए तो जाने का नाम ही नहीं है। विजय हमें कुछ करना होगा, क्या सोचे? बहुत महंगा फ्रिज है, इसे वहां किचन में रख दीजिए। वो दरवाजा उधर वहां है किचन, और ये टीवी इस कोने में, ध्यान से संभाल के नीचे से पकड़ना। हाय, इसे भी आप वहीं पे किचन में डाल दीजिए। आपका सारा सामान है? ओह ग्रेट, एक मिनट, आपको चाहिए काम करना। ये सब क्या है? किसका सामान है ये? पुष्कर, ये सब हमारा सामान है, आज ही तो खरीद कर लाई। इतना सामान खरीदने की क्या जरूरत थी? शिवम भाभी इसे सामान लेकर आई है ना? पुष्कर, दूसरों का सामान ले लेकर रोज रोज के दाम से थक गई है, इसलिए मैंने अपना सामान खरीदा। उसके जो पैसे तुमने मुझे दिए थे वो मैंने तुम ऑर्डर में दिए, और बाकी सब इसी इंस्टॉलमेंट पर। रुपया तुम पागल हो क्या? दिमाग खराब हो गया क्या? हो क्या क्या तुम्हें? मैंने तुम्हें कहा था कि जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती मैं इनका तुम्हें घर चलाना। मैंने तुम्हें ये पैसे लोगों को देखने बांटने या ये सब सामान देने के नहीं दिए। मुझे रहना पड़ता है तुम्हें नहीं, जिंदगी पीछे हो पाती पुष्कर। मैंने जो भी किया मुझे उसका अफसोस नहीं। ये सब सामान मैंने अपने सामान को बचाने के लिए खरीदा है, और मेरे लिए मेरा सामान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने ही घर में किसी और का सामान नहीं चाहिए। Thank you.
मुझे बुलाया? बेटा, ये रोशनी इस घर में क्यों रह रही है? मासी, वो मिस्टर वालिया ने, मेरा मतलब है रोशनी जी को मिस्टर वालिया ने यहाँ रहने के लिए कहा। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ मतलब? अरे बेटा, ये घर तुम्हारा है। इस घर पे और मुन्ना पे पहला हक तेरा था। पर तुझे कब से समझा रही हूँ? देखो, अपना हक जताना पड़ता है। इसी से प्यार करते हैं। यही पहले है। मैं जितना चाह रही थी रोशनी इस घर से दूर रहे, वो इस घर में उतना ही घुसे जा रही। और वो तो वो उसकी भतीजी। चलो, अन्नू को तो समझ में आता है कि उसे उस लड़के से प्यार है, इसलिए वो उससे शादी करना चाहती है। लेकिन इसकी भतीजी ये साहिल से शादी क्यों करना चाह रही है? मासी, मोहित की बहन राशि एक अच्छी लड़की है। कौन अच्छा है कौन बुरा है इसकी समझ तो मैं बहुत, अगर इसकी समझ होती ना तो थोड़ा अपना बेड़ा पार हो जाता। वह कम थी जो एक भतीजी भी आ गई है। तुझे एक बात बता दूं, मैं और बीजी इस लड़की को रिजेक्ट कर, ये रिश्ता कितना जरूरी है। अगर आपने राशि को रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब अनु की जिंदगी दांव पर लग जाएगी। गाड़ी ठीक हो गई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, ठीक है, जैसे ही कोई दिक्कत होती है मैं आपको फोन करके बताता हूँ। साहब, अरे साहब, नमस्ते साहब। आपने मुझे पहचाना नहीं? लेकिन मैं आपको बराबर पहचाना साहब। मैं आपको अब तक नहीं भूला साहब। आपको देखते मेरे को सब याद आ गया साहब। उस रात कितनी तेज बारिश हो रही थी साहब, और आप एक मेम साहब के साथ थे साहब। उस रात मिस्टर वाली तो आप मुझे कभी भूल साहब, हम गरीब मैकेनिक लोगों की लाइफ में ऐसी रात कभी कभी आती है साहब। हाँ, काम का पैसा तो बराबर मिल जाता है, लेकिन इतना बड़ा टिप अब उनको पता नहीं लगा था। उनतीस जून यही तारीख था साहब। सात साल हो गए साहब। अरे हाँ मेम साहब, क्या बताऊं, अब उनको पूरा सब बात याद है। अब उसके बेटे का बर्थडे था ना, बहुत तेज बारिश हो रही थी मेम साहब, और पार्क रोड पर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी से बात करनी, समझते क्या अपने आपको? किसी से कोई बात नहीं करनी, ओके? ये? आखिर ऐसी कौन सी बात है? जब भी पार्क रोड का जिक्र होता है, इस वाले को क्या हो जाता है? उनका अपने आप पर काबू नहीं रहता। आखिर क्या हुआ था पार्क रोड पर?
उस मैकेनिक ने कहा 29 जून, ये कौन सा राज है? 29 जून को पार्क रोड पर ऐसा क्या हुआ था जिसका जिक्र होते हैं? 7 साल बाद भी मिस्टर वाले अपने होश खो बैठे हैं। मुझे उस मैकेनिक से मिलना होगा।